नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा पेप्टिक अल्सर के बारे में। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी किया कि सर पेप्टिक अल्सर के ऊपर बताइए, तो मेरे को लगा कि ये पेप्टिक अल्सर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, बट आप पूरा लास्ट तक सुनिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ पता चलेगा। बहुत कॉमन बीमारी है और इंडिया में वन ऑफ द वेरी कॉमन डिजीजेस में से माना जाता है। होता क्या है, स्टमक के ऊपरी भाग जिसको इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक के नीचे का पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, ड्यूओडेनम, जेजुना, इलियम, इनके अंदर अल्सर हो जाती है। अल्सर मतलब घाव हो जाती है और घाव कभी कभी बर्स्ट करती है, उससे लोग मारे भी जा सकते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो ये है पेप्टिक अल्सर। कोई भी जगह में जो हमारे इंटेस्टिन से ऊपर स्टोमक, उसके ऊपर इसोफेगस, कहीं पे भी अल्सर हो, उसको कॉमन हम लोग पेप्टिक अल्सर बोल के जानते हैं। इनमें सबसे कॉमन होता है स्टोमक में अल्सर और स्टोमक के एंड के तरफ अल्सर, स्टोमक का जहाँ पे एम्प्टी होता है वहाँ का अल्सर। और एक होती है स्मॉल इंटेस्टिन का शुरुआत होता है जिसको बोलते हैं ड्यूओडेनम, उसके अंदर अल्सर। तो ये दोनों अल्सर बहुत कॉमन है और इन दोनों के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला बात, ये होता क्या अल्सर? अल्सर मतलब जला के घाव बना देना। कौन जलाता है? आपको मालूम है स्टोमक में बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ज़रूरत है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? स्टोमक में जब हम खाना खाते हैं उसमें जो भी जर्म्स रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार देता है, हमारी पीएच को कम कर देता है, जिससे प्रोटीन के जो एंजाइम्स है वो काम करके प्रोटीन को तोड़ पाता है। तो जो स्टोमक में एसिड का बहुत ज़रूरत है, पर आपको मालूम है एसिड कहीं एक बूंद भी लग जाए तो जल जाता है, वैसे स्टोमक का दीवाल जल जाता है, इसी से होता है अल्सर। पर स्टोमक को कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो देते ही होगा। यस, स्टोमक के पास तीन तरह की प्रोटेक्शन है। एक है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टोमक के पूरे लाइनिंग के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस क्या होता है आपको मालूम है? जब कभी हम लोग को खांसी आती है, एक वाइट सा थिक एक कफ निकलता है, आपने देखा है वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, उसको बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस हमारे स्टोमक के दीवार में म्यूकस के ग्लैंड्स है और ये म्यूकस सिक्रीट करती है। और ये म्यूकस क्या करता है, स्टोमक की पूरी लाइनिंग को एक प्रोटेक्शन देके रखता है, उसमें एसिड आके जला नहीं पाता है स्टोमक की दीवार को। दूसरा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमारे हीलिंग को जल्दी कर देता है, जो हमारी हीलिंग है उसको ज़्यादा करता है, जल्दी करता है। जैसे स्टोमक में थोड़ा सा एसिड से जलाई हुई, उतने देर में प्रोस्टाग्लैंडिन आके उसको हीलिंग का स्पीड बढ़ा देता है। और हीलिंग करने के लिए एक यूरोग्रेस्टोन करके एक केमिकल भी निकलती है, वो भी हम लोग को हीलिंग करने में मदद करता है। तो बचाने वाले तीन है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रोस्टाग्लैंडिन और यूरोग्रेस्टोन। ये तीन बचाने का काम कर रहा है और ख़राब करने का काम कर रहा है एसिड। और ये एसिड जब भी अपर हैंड में आ जाता है, जब ज़्यादा सिक्रीट होती है एसिड, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे स्टोमक की दीवार को गला देता है, स्टोमक की दीवार को जला देता है और इसी से होता है अल्सर। तो दो लोगों की फाइटिंग चलती है, अटैक कर रहा है एसिड और बचाने की कोशिश करता है म्यूकस मेम्ब्रेन, मेनली असिस्टेड बाय टू अदर फैक्टर्स। ये लड़ाई में जब एसिड जीत जाता है तो अल्सर बनने लगता है। और एसिड जीतने का क्या क्या कारण हो सकता है वो आपको जानना होगा। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस, गुस्सा, एंगर। जब भी आदमी बहुत टेंशन के ऊपर चलता है तो स्टोमक में एसिडिटी का मात्रा बढ़ता है और एसिडिटी जाने से ही वो जलाने का काम जल्दी होने रहता है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। इसके बाद है स्मोकिंग, अल्कोहल और चाय, कॉफ़ी, ये भी हमारे एसिडिटी को बढ़ाता है। और फ्राइड फूड से एसिडिटी खूब बढ़ती है। और एक बात याद रखिएगा, हमारी एस्पिरिन या इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती है जो भी एसिडिटी को, स्टोमक अल्सर को प्रमोट करता है, ड्यूओडेनल अल्सर को प्रमोट करता है। तो पेप्टिक अल्सर को प्रमोट होने वाले ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत क्लियर जानकारी होनी चाहिए। तो स्मोकिंग, टी, कॉफ़ी, ज़्यादा स्ट्रेस, ये बहुत ख़राब है अल्सर ने के लिए। और कभी कभी हम ज़्यादा देर तक भूखे रह जाते हैं, इरेगुलर फूड हैबिट, इससे भी अल्सर बनती है। तो ये सारा ध्यान आपको रखना होगा। और अब आगे इसका तकलीफ क्या होगा, जब भी पेप्टिक अल्सर होती है तो उसका मेन तकलीफ होती है स्टोमक में डल एकिंग पेन, स्पेशली खाने के 2-3 घंटे बाद बहुत पेन होती है, लगता है अंदर ही अंदर पेन हुए जा रहा है। मरोड़ वाली पेन नहीं है, रोने वाली पेन नहीं है, पर कंटिन्यूस पेन रहता है और वो पेन बढ़ता रहता है, कभी कभी कम होता रहता है। तो ये पेप्टिक अल्सर के मेन सिम्टम्स हैं। और भूख नहीं लगना या उल्टी का भाव होना, ये भी बहुत सारे लोगों को होता है।
तो ये पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स हैं और पेप्टिक अल्सर के कारण मैंने बताई है, स्टोमक में एसिड जीत जाता है और वो म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन हार जाती है, तब ये अल्सर ज़्यादा बनने लगती है। पर स्टोमक के दीवार में हर वक्त रिपेयरिंग चलते रहता है, वो अल्सर को हील करने की कोशिश करता है, एसिड को कम करवा दें तो हो सकता है हीलिंग हो जाए और अल्सर अपने आप ठीक हो जाए। इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लीडिंग, वो परफोरेट कर जाता है और उस वक्त हमारे स्टूल में काला रंग का ब्लड निकलता है, एकदम काला बद, तो ब्लैक स्टूल हो जाना मतलब है स्टोमक में या इंटेस्टिन में कहीं ना कहीं पे अल्सर ब्लीड कर रहा है और उससे पूरा ब्लड निकल जाती है। और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली हार्ट के पेशेंट को जिनको हम एस्पिरिन देते हैं, इनके लिए भी बहुत कॉमन है। तो अब करना क्या चाहिए? आपको पता चल गया पेप्टिक अल्सर है क्या, आपको पता चल गया कैसे होती है पेप्टिक अल्सर, आपको पता चल गया कौन कौन ये पेप्टिक अल्सर बनाने में मदद करता है। अब आगे आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पेप्टिक अल्सर अगर हो जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए दवाई की सॉल्यूशन एंड में बताऊँगा, पहले सोचते हैं खाने में क्या क्या किया जा सकता है। तो आपको मैं बता दूँ, पहले तो खाने में आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी, इनको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, दूध और दूध से बने हुए चीज़ हमारे अल्सर को हीलिंग करने में मदद करता है। तो दूध से बना हुआ चीज़ जैसे ठंडा दूध है या क्रीम है या चीज़ है या कस्टर्ड, इस तरह की चीज़ से काफ़ी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है और इसमें प्रोटीन होने की वजह से वो हीलिंग में भी मदद करती है। तो दूध और दूध से बने हुए चीज़ बहुत सारा लिया जा सकता है, बॉइल्ड राइस लिया जा सकता है। कुछ चीज़ों को और अवॉइड करना है, जैसे कि कोई भी तरह की कोला हो, एरिएटेड ड्रिंक हो, करीज हो, ग्रेवीज हो, ज़्यादातर फ्राइड फूड हो, ये हमारे पेस्ट्रीज, केक, ये भी अल्सर को मदद करता है बनने में, तो ये सब तो अवॉइड करना है। अब आपको खाना क्या क्या है ना, हमने बोला था मिल्क, क्रीम, चीज़, राइस, कर्ड, ये हमारे अल्सर को हीलिंग करने में मदद करती है। सूजी बहुत अच्छे से कुक्ड, नॉन स्पाइसी मतलब चिलीज़ कम देके आप अगर सब्जी बनाते हैं, और बहुत अच्छे से बॉइल्ड करके पत्ते वाली सब्जियां बना के देते हैं, वो भी अल्सर को हील करने में मदद करता है। कस्टर्ड लिया जा सकता है, जैसे सूजी लिया जा सकता है, उपमा लिया जा सकता है, पर बिना तेल के उसको बनाने की कोशिश करिए। एक ज़रूर काम करिए, एक फूड को रेगुलर बनाइए, जिस वक्त लेना है खाना उसी वक्त ज़रूर लेना चाहिए, खाली पेट बहुत देर रह गए वो अल्सर बनाने में मदद करता है। और खाते वक्त भी आप खाने को थोड़ा स्लोली खाइए और चबा चबा के खाइए, ये भी अल्सर को हीलिंग करने में मदद करता है। अब आते हैं हमारे मेडिकल साइंस के तरफ से दवाइयाँ क्या दिया जा सकता है। देखिए 5 तरह की दवाइयाँ देते हैं, एक आजकल नई कारण भी पेप्टिक अल्सर का माना गया है, एक जर्म होती है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस। ये भी कभी कभी कुछ रिसर्च ये बता रहा है कि ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस है ये हमारे अल्सर को बढ़ा सकता है और अल्सर क्रिएशन में मदद कर सकता है। तो इसके लिए एक एचपी किट करके एक एंटीबायोटिक उसके संग एंटासिड मिला के एक एचपी किट दिया जाता है। पर उससे पहले सोचते हैं कॉमन क्या क्या किया जा सकता है। एक तो एंटासिड, इसमें ज़्यादातर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह की चीज़ होती है, आपने देखा होगा जेलूसिल, डायजीन, इस तरह की सिरप दी जाती है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये बहुत कॉमन बीमारी का सॉल्यूशन है और आप ज़रूर ये दवाई खाए होंगे, रेनिटिडीन नाम है, साइमेटिडीन नाम है और इसका नाम है फोमिटिडीन, इस तरह की दवाई जो है ये स्टोमक की सिक्रीशन को, एसिड सिक्रीशन को कम कर देता है। हाँ, एसिड बनते वक्त एक चीज़ और चाहिए, प्रोटोन पंप चाहिए। तो एक नई दवाई आ गई जिसका नाम है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये दवाई भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। जो हम लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको हम लोग यूजुअली रात को देते हैं तो पूरा रात एसिड सेक्रीशन को बंद करके रखता है, और दिन के वक्त ज़्यादातर देते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इसके 4-5 ग्रुप है, आपको मैं बता दूँ, ओमेप्राजोल आपने सुना होगा, ओमेज का नाम, लैंसुप्राजोल आपने सुना होगा, पेंटोप्राजोल तो बहुत कॉमन नाम है, पैन डी पैन एन, उसके संग रेविप्राजोल और इसोमेप्राजोल, ये सारे दवाइयाँ हम लोग दे सकते हैं। और इसके संग एक और दवाई दिया जाता है जो स्टोमक की एम्प्टिंग को अच्छा कर देता है, स्टोमक के अंदर हीलिंग भी करवाता है, और इसका नाम है मेटोक्लोप्रोपामाइड, आपने नाम सुना होगा, पेरिनोम का नाम, ये स्टोमक की एम्प्टिंग को बढ़ा देता है और इससे वॉमिटिंग का टेंडेंसी भी बंद करवाता है। तो ये भी पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में काफ़ी काम में आता है। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत
ब्रॉड एक आइडिया दिया है पेप्टिक अल्सर है क्या और पेप्टिक अल्सर होने का मेजर कारण क्या है, पेप्टिक अल्सर में हम खाने पीने की तरफ से क्या करें और उसकी दवाइयाँ क्या लें। तो ये जानकारी आपको हमें मालूम नहीं कौन सी किताब से कब मिल सकता था, गूगल में मिल सकता था, पर मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बताई। आप इसको ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ जिनको भी पेट में दर्द बार बार होता है और काफ़ी डकार वगैरह आती है, पेट में दर्द होती है और पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री है, उनको ये सारी बातें जानकारी होनी चाहिए। तो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अल्सर और इसको डियोडिनल अल्सर, ये जो भी अल्सर, सबको पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है मैं, मेरा शौक़ है लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, पर बेसिकली हम लोग हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। हार्ट के बारे में मेरी DVDs वीडियोस ज़रूर देखिए यूट्यूब से। और एक ज़रूर काम करिएगा, हमारी ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ है, बहुत हेल्दी रेसिपीज़ जो हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और सब चीज़ में हेल्प कर सकती है। वो रेसिपीज़ का हमारा चैनल है ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए विदा लेता हूँ।